हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एकदम गाढ़ी गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये खीर बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप फुल क्रीम दूध की अगर खीर बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने 1 लीटर दूध में 1.5 मुट्ठी के बराबर चावल लिए हैं। चावल आप कोई से भी रेगुलर जो यूज़ करते हैं, टूटे हुए वाले चावल होते हैं वो वाले चावल यूज़ कर सकते हैं। इसको चावलों को अच्छी तरीके से धो करके आपको भिगो के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो मैंने इनको 2 घंटे भिगो के रखा था। अब मैंने पानी से निकाल करके इनको दूध में डाल दिया है। अब इन चावलों को हमें पकाना है दूध के साथ। तो तकरीबन 3-4 मिनट इनको आपको पहले चलाते हुए पकाना पड़ेगा, क्योंकि चावल जो है तले में बैठ जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। तो इसको चलाते रहिए 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद आप फिर इसको स्लो फ्लेम पे पका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं चला रही हूँ। इस तरीके से आपको चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जब चावल थोड़ा सा कुक हो जाएगा ना, तब आप इसको चलाना छोड़ सकते हैं। अब आप इसे स्लो फ्लेम पर 4-5 मिनट पकने दीजिए, जब तक ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते चावल। चावलों को पकते हुए लो फ्लेम पे 4-5 मिनट हो गए हैं। चावल जो है अच्छी तरीके से कुक होने लगे हैं, और इसको हम 2-4 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे चावल हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए, अभी बस थोड़े से मैश होने रह गए हैं। तो अभी इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल लीजिए। मैंने 1/2 कप के करीब इसमें चीनी ऐड कर ली है। मिक्स कर देंगे, और आप दूध देख रहे हैं कितना रिड्यूस हो गया है पकते पकते। और अब हम जब इसमें चीनी डालेंगे, ये थोड़ा सा आपको फिर से वाटरी सा नज़र आएगा, क्योंकि यानी कि थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि खीर पकते पकते थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। चीनी डालने के बाद जब चीनी मेल्ट होती है तो उसका पानी जो है इसके अंदर दिखाई देता है। तो अब इसमें मैं साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ कटे हुए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और थोड़ा सा नारियल काट करके डाल दिया है, और अब इसको चला लेंगे। तो खीर को अभी 2-4 मिनट और पकाएंगे, चीनी जब तक अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती और फिर से ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। इस तरीके से जब आप खीर बनाएंगे तो आपकी खीर एकदम रबड़ीदार, एकदम टेस्टी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी खीर बनेगी। तो इस तरह की खीर जो है काफ़ी पसंद आती है लोगों को। तो आप ये वाली खीर ज़रूर ट्राई करें। सिंपल सी है, बहुत सिंपल मेथड से बनाई है, लेकिन इसको स्लो फ्लेम पे पकाया है तो चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं और खीर एकदम मलाईदार रबड़ीदार बनती है। ये मैंने 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाला है पीस करके। फ्रेश डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और अगर आपके पास पाउडर है तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। मिक्स कर लेंगे, और अब ये हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। खीर को मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, और खीर देखिए ठंडी होकर गाढ़ी हो गई है। अभी हल्की सी ठंडी हुई है और गाढ़ी हो जाएगी जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ठंडी जब हो जाएगी तब आप इसे सर्व कर सकते हैं, या सर्दियों में तो हल्की गुनगुनी सी खीर अच्छी लगती है। तो मैं बस इसको सर्व कर लेती हूँ। तो आप इस खीर की रेसिपी को ट्राई करें, इसी तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी खीर बनेगी। आप इस खीर को पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, खीर को ऐसे ही डेजर्ट के रूप में खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये खीर बनती है, किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो आप इस खीर की रेसिपी को एक बार इसी तरीके से ज़रूर बनाएं, और आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।